जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कल इरफान भाई को खो दिए और आज सुबह अमिताभ बच्चन साहब का हम ट्वीट पढ़े और पता चला लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। और ऋषि कपूर साहब वो एक्टर हैं, जैसे हम 90s में जब हम आए थे तो हम लोग एक्टिंग चूंकि सीखने के पैसे ऐसे तो थे नहीं, तो हम इनकी फिल्में देख के अमिताभ बच्चन साहब की, ऋषि कपूर साहब की फिल्में मैं ज्यादा देखता था इसलिए क्योंकि मुझे लगता था नेचुरल एक्टिंग ये कैसे करते हैं, कैसे पानी की तरह इतने आसानी से ये डायलॉग्स बोलते हैं, कैसे ढप इतने अच्छे बढ़िया ये डफली बजाते थे जो कोई नहीं। तो कपूर खानदान का नाम था ही राज कपूर साहब का, पृथ्वीराज कपूर ये थर्ड जनरेशन रहे और उन्होंने सिनेमा के लिए इस परिवार ने सब कुछ किया। मेरी मुलाकात एक बार उनके साथ घर पर हुई थी तो हमने उनसे पूछा था कि आप कैसे ऋषि साहब ये कैसे कर लेते हैं, एक्टिंग इतने आसानी से कर लेते हैं जैसे पता ही नहीं चलता आप किरदार जीते हैं। अब वो आपकी फिल्म मेरा नाम जोकर में मैं देखा था जब आप छोटे थे, या बॉबी से जब आप शुरू हुई, फिर खेल खेल में, फिर सरगम रहा, फिर वो प्रेम रोग रहा और अनगिनत फिल्में, और दी डे अभी उनकी देखी थी, अनगिनत फिल्में, अनगिनत कार, जिंदा दिल, इंसान। और फिर प्रधानमंत्री जी ने जब आदेश निर्देश दिया था कि करुणा वॉरियर को हम लोग क्लैप देंगे तो उन्होंने कैसे थाली बजा के एक स्वागत किया था, और न्यूयॉर्क से बढ़िया